और बिहार में आज शाम 5 बजे नीतीश मोदी की नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होगा। बीबीपी न्यूज बिहार में हर सियासी गतिविधि की सबसे पहले आपको खबर दे रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार की भी हर जानकारी हम दे रहे हैं। आज 35 मंत्री बीजेपी के कोटे से 16 और जेडीयू के कोटे से 19 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिसमें नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, मंगल पांडे, ये वही लगभग चेहरे हैं जो पहले थे जब सरकार थी बीजेपी के साथ। राणा रणधीर, सुरेश शर्मा, विनोद कुशवाहा, इसके अलावा ब्रिज किशोर बिंद, कृष्ण कुमार, बीजेपी के 15, बीजेपी के 16, इसके अलावा राम नारायण मंडल, विनोद झा, बीजेपी के 16 और जेडीयू के कोटे से 19, कुल 35। आज शाम 5 बजे ये शपथ ग्रहण हो सकता है। और नंद किशोर, जो कि बीजेपी के बड़े नेता हैं, संभावित मंत्री हैं, उनसे बात किया उत्कर्ष ने। हमारे साथ बीजेपी के बड़े नेता नंद किशोर यादव जी हैं। सर, मंत्री बनने जा रहे हैं आप? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा। अभी मुख्यमंत्री से आप मिलकर आ रहे हैं, सुशील जी भी साथ में थे, क्या बातें हुई, कितने मंत्री शपथ ले रहे हैं एनडीए के? देखिए, मंत्रियों की संख्या के बारे में अभी निर्णय नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन जो सदस्य संख्या है एनडीए और जदयू का, उसके हिसाब से 16 मंत्री भाजपा एनडीए के बन सकते हैं जी। और 19 मंत्रियों का कोटा जदयू के खाते में गया जी। लेकिन सभी के सभी सीटों पर मंत्री हम बनाएंगे भी, ऐसा हमने नहीं तय किया है। कुछ सीटें भी खाली रहेगी जिसमें बाद में विस्तार करेंगे। कुल कितनी संख्या में मंत्री आज शपथ लेंगे माननीय मुख्यमंत्री, अभी तय करेंगे। आज कितने होंगे ये मुख्यमंत्री? आज कितने मंत्री तय होंगे, शपथ लेंगे, ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री। नंद किशोर यादव क्या मंत्री बनने जा रहे हैं दोबारा से? लेकिन नंद किशोर यादव मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है। पार्टी अगर तय करेगा तो मैं जरूर इसको स्वीकार करूंगा। तो कुल 19 मंत्री जेडीयू खाते से होंगे, वहीं 16 एनडीए के भी होंगे। नंद किशोर यादव का ये कहना, जो भी अभी मुख्यमंत्री से मिलकर बाहर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय तिवारी के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज पटना। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।